How to fix Samsung A20 flight mode not working problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज YouTube चैनल पर. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने Samsung के डिवाइस में फ्लाइट मोड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपका जो यहाँ पे दोस्तों फ्लाइट मोड है काम नहीं कर रहा है, तो इसके रिलेटेड भी दोस्तों मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ. जो भी दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन बताऊंगा वही आपको फॉलो करना है, उसके बाद दोस्तों आपका जो फ्लाइट मोड का इशू है फिक्स हो जाना चाहिए. ठीक है, तो यही दोस्तों एक सॉल्यूशन होगा जो मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, यही एक सॉल्यूशन होने वाला है दोस्तों फ्लाइट मोड को ठीक करने के लिए. ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली वीडियो जो है पूरा देखना है. जो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा उसको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है आपकी डिवाइस में, एंड देन दोस्तों आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें. अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा. किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं. चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कैसे इसको फिक्स किया जा सकते हैं. सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे अपने डिवाइस को रिस्टार्ट कीजिए. रिस्टार्ट करने के बाद अपना सिम को जो है इजेक्ट करके इंसर्ट करके देखिए. ठीक है, सिम को बाहर पे निकाल के उसको दोबारा से अंदर पे भर के देखिए, और उसके बाद फ्लाइट मोड इनेबल करने की कोशिश करें कनेक्शंस के मदद से. तो अगर दोस्तों आपका फ्लाइट मोड यहाँ पे ऑन हो जाते हैं, काम कर जाते हैं, तो ठीक है. अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो बैक करें, स्क्रॉल डाउन करके जनरल मैनेजमेंट पे जाए, और यहाँ पे आपको रीसेट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. सबसे पहले रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक कीजिए, और रीसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल पासवर्ड यहाँ पे भर दीजिए. ठीक है, मोबाइल पासवर्ड भरने के बाद आपका नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाएगा. उसके बाद चेक करके देखें, अगर सॉल्व हो जाते हैं प्रॉब्लम तो ठीक है, लेकिन अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करें, एंड रीसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल पासवर्ड भर दीजिएगा. मोबाइल पासवर्ड भरने के बाद दोस्तों आपका सेटिंग रीसेट हो जाएगा, एंड देन मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए. रिस्टार्ट करने के बाद कनेक्शन पे जाए और दोबारा से फ्लाइट मोड को इनेबल करने की कोशिश करें. ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए. अगर सॉल्व हो जाता है ठीक है, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना. ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोस्तों इस तरीके का जो प्रॉब्लम रहते हैं वो दोस्तों यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं. तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करें. सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे ही होगा दोस्तों आप फ्लाइट मोड को दोबारा से इनेबल करके देखिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा. तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपने फ्लाइट मोड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, बाय एनी चांस मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे अभी भी आपका फ्लाइट मोड काम नहीं करे, आपने सब कुछ सॉल्यूशन किया, सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो जनरल मैनेजमेंट पे जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, रीसेट पर क्लिक कीजिए, फैक्ट्री डेटा पर जाके आपको रीसेट पर क्लिक करना है. मोबाइल पासवर्ड भर के आपको फैक्ट्री रीसेट कर देना है. फैक्ट्री रीसेट करने के बाद दोस्तों डेफिनेटली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.